एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एक्चुअली वहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे पे प्रोग्राम एक रखा गया है, जिसमें सारे वुमेन्स को वहाँ पे योगा करने के लिए बुलाया गया है। वुमेन्स हैं, चिल्ड्रेन हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ करने के लिए, साथ में मेरी बेटी भी जा रही है। तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं। हम लोग, आप देख सकते हो पीछे, हम लोग योगा करने के लिए पहुंच चुके हैं। काफी दिनों से मैंने क्लीन नहीं किया था। एक्चुअली मैं ज्यादा यूज नहीं करती डिशवाशर को, क्योंकि बिल्कुल सिंक के अपोजिट साइड मेरा डिशवाशर रखा हुआ है, तो बार बार सिंक से बर्तन लेके फिर डिशवाशर में रखो फिर धुलो, तो वो थोड़ा मुझे ज्यादा ही मतलब काम वाला लग जाता है, तो इतना मैं नहीं करना चाहती थी। तो इसी वजह से मैं डेली नहीं इसमें बर्तन धोती हूँ। कभी कभार जैसे बहुत ज्यादा बर्तन हो जाते हैं, या कभी मैं किसी गेस्ट को बुलाती हूँ खाने पे, तो ज्यादा फिर बर्तन हो जाते हैं, तब मैं डिशवाशर यूज करती हूँ। अदरवाइज मैं उतना यूज नहीं करते डिशवाशर का, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि धीरे धीरे उसमें ना बदबू आने लगती है। तो अभी कुछ दिनों से थोड़ी सी मुझे बदबू लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इसको आज क्लीन कर देती हूँ, और आप लोग के साथ भी मैं इस चीज को शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरफ मेरा सिंक है, और ठीक इसके अपोजिट साइड आप देख सकते हो फ्रीज है, अलमारी है, उसके बाद इधर आके हमारा डिशवॉशर है। तो इतना लंबा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है डेली डिलीवरी बर्तन इधर से उधर रखना और फिर ये सेट करना, तो जिसकी वजह से मैं बहुत कम धोती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इससे, इसके अंदर जो मेरा बर्तन रखा हुआ है, तो उसे मैं सारे हटा लूँ। तो सबसे पहले मैं इसके नीचे का पूरा रिमूव कर दूंगी, इसको अलग से साफ करूंगी। तो डिशवाशर को क्लीन करने के लिए ना, सबसे पहले एक मैं लिक्विड बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे चाहिए बेकिंग सोडा, वेनेगर, और जो ये विम लिक्विड होता है, ये तीनों का सोल्यूशन एक बनेगा, और उसके बाद इससे मैं साफ करूंगी। थोड़ा सा ये लिया, थोड़ा सा वेनेगर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इन सबको पहले मिक्स कर लेते हैं। लिक्विड अब इससे मैं पूरे अंदर पूरा साफ करूंगी। अब जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है ना, इससे इसके चारों तरफ पहले लगा देंगे। अब एक एक करके पहले ये पूरा खोल लेंगे। ये फिल्टर आप देख सकते हो, ये फिल्टर, इसमें गंदा लगा हुआ है, तो इसको भी मैं इसी सॉल्यूशन से अभी लगाऊंगी। Thank you.
ऐसी जो ब्रश आती है, कोई भी आप टूथब्रश भी ले सकते हो, कोई भी ब्रश आप ले लो और इससे जो है अच्छे से ये सब साफ हो जाएंगे। इसमें ना ये एक रख के ना इसको अच्छे से एक बार अंदर से पूरा क्लीन करने के लिए आराम से दम 70 डिग्री पे मैं करूंगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो 70 डिग्री पे मैंने सेट कर दिया है। अब इसको मैं चलने दूंगी। डिश वॉशर तो मैंने क्लीन करने के लिए रख दिया है, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अंदर से मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। अभी बस अब मैंने उसे चला दिया है, एक फिनिश टैबलेट आती है तो वो डालने से मशीन चला दूंगी ना तो वो काफ़ी अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं फिर। तो चलिए ये तो मैंने कर लिया है, अब मैं सोच रही हूँ कि वॉशिंग मशीन को भी मैं आज ही क्लीन कर लेती हूँ, साथ में दोनों हो जाएगा तो अच्छा है। तो चलिए उसे भी क्लीन कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन को भी ना मैं इसी लिक्विड से पूरा साफ करूँगी। तो पहले चलिए पहले बाहर की ओर में लगा देती हूँ। प्लग वगैरह मैंने निकाल दिया है, इसमें थोड़ी सी सावधानी करें, प्लग वगैरह निकाल दें। इसकी जो अंदर ये रबर वाली पार्ट आप देख रहे हो ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा गंदा हो जाता है तो हमको इसको अच्छे से साफ करना है। ये वाला पार्ट जो है ना इसको भी साफ करना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर ऐसे मिला के इसको भी साफ कर लेना है, इससे मैं अलग से साफ कर लूंगी। अब ये 5 मिनट हो गए हैं तो इस ब्रश के हेल्प से मैं इसके अंदर वाले पार्ट को अच्छे से साफ कर दूंगी। इस पार्ट को भी अच्छे से साफ कर देंगे। साफ कर दिया। अब बिल्कुल नीचे की ओर क्लीन करने के लिए ना हमें मशीन खाली चलानी पड़ेगी, तो उसमें मैं जो है एरियल का ये डालूंगी। इसके साफ करने के लिए अलग से आते भी हैं, फिलहाल मेरे पास नहीं है तो ये मैं थोड़ा सा डाल दूंगी। अब हम लोग उसमें रन एंड स्पिन जो ये वाली है इस पे हम चला देंगे, तो इससे क्या होगा पूरा साफ हो जाएगा अंदर से भी। बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो भी आप देख सकते हो ये अंदर साफ हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से ये साफ हो जाएगी, इससे बदबू भी चली जाएगी और ये भी मेरा चल रहा है डिशवॉशर भी। ये दोनों की ये थी क्लीनिंग खत्म हो जाती है तो फिर मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी कि कैसा साफ हुआ है। देखिए अंदर से बिल्कुल साफ हो गया है,
बाहर से भी बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल साफ हो गया है, और इधर ये डिश वॉशर भी बिल्कुल साफ हो गया है। ये देखिए, ये देखिए पूरा साफ हो गया है, ये कोई स्मेल नहीं आ रही है। बाहर से भी दोनों बहुत अच्छे से साफ हो गए हैं और अंदर भी काफी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।